जैसे नए भैया हो, आपस में बात कर रहे हो, बोले ये काम करना है वहां, तो पिताजी पूछ लें कि क्या बोल रहे हो लाला, तो एक बार तो बता देंगे, दोबारा पूछ लिया तो हिम्मत करके दोबारा फिर बता देंगे, और तीसरी बार कहीं बाप ने पूछ लिया कि सुन नहीं पाया क्या बोल रहे हो, चुपचाप बैठे रहो, जरूरी है सब बात बताए, वो हमारी कुछ प्रश्न बातें हैं तुम्हें सब बताए, वो जरूरी है, आप वो बाप भाई है जो अगर आम पे कौआ बैठा है आम पे, और अगर छोटा बेटा ये बोल दे पापा ये नीम है, तो बाप एक बार नहीं 100 बार बेटे के सर पे हाथ फेर के ये बोलता था, हाँ बच्चा ये नीम है, आम की जगह बाप नीम बोलता था, और एक बार नहीं 10 बार नहीं 100 बार, और तुम 3 बार बताने में थक जाते हो, क्या आप वंश को आगे बढ़ा सकते, क्या आप अपने बच्चों को संस्कार दे सकते हैं। मैं लोगों को समझाती हूं कि आपका बेटा कार मांगे कार और आप न दे पाओ, अगर वो कार से रूठ जाए कि कार ही चाहिए, तो 4 दिन भोजन नहीं करेगा, ठीक हो जाएगा, आप चिंता ना करें, लेकिन अगर उसे संस्कार नहीं दिए तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, ये निश्चित है। घर हम उसे नहीं कहते कि ईट गिट्टी सरिया बालू सीमेंट ये सब इकट्ठा कर लो और घर बनवा लो, वो घर नहीं होता महाराज, घर हम उसे कहते जहां 4 भाई हैं और चारों चटाई बिछा करके एक साथ बैठ के भोजन करते हैं और एक दूसरे से सुख दुख की पूछते हैं, उसे हम घर कहते हैं। चाहे एक कमरा बनाओ, चाहे एक झोपड़ी हो, और जिसके 10 मंजिल मकान हो और वहां तुम्हें कोई सुख दुख की पूछने वाला नहीं है, तो वो घर नहीं शमशान है, और शमशान हम उसे कहते हैं सम्माने बराबर, सम्माने बराबर, और शान जहां जाके सबकी शान बराबर हो जाए उस जगह का नाम है शमशान। आजकल देखा जा रहा है कि आदमी के घर में डाइनिंग टेबल का सेट है, आदमी के घर में डाइनिंग टेबल का सेट है, सोफा सेट है, ड्रेसिंग टेबल का सेट है, लेकिन आदमी का दिमाग अपसेट है, वो खुद को संभाल नहीं पा रहा। 10 साल के बच्चे को पूछ लो ठीक हो, बोलेगा बहुत टेंशन है। अब 10 साल के बच्चा को कौन सी टेंशन है भाई, पढ़ाई कर, खाना खा, आराम से खेल कूद, कौन सी टेंशन है, ये चिंता मारी डाल रही है लोगों पे, यहां तक कि पूरे दिन काम करेंगे लेकिन धर्म की कह दो या बोल दो कि बस आधा घंटा नहीं, 1 घंटे नहीं, बस 10 मिनट भगवान का स्मरण कर लो शाम को, तो इसमें भी तकलीफ है। भागवत का प्रथम श्लोक है सक्षिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बहुत ध्यान से सुनना, सत चित आनंद, तब पूरा शब्द बना है सच्चिदानंद। सत्य वो है जो कभी बदल नहीं सकता, सत्य वो है जो कभी बदल नहीं सकता, सत्य है परमात्मा। या तो कलयुग में लोग बात बात पर झूठ बोलते हैं, कोई अभी 20 किलोमीटर पीछे हो यहां से और फोन करो, बोले भैया कहां गए, बोले बस 10 मिनट में आ गया, 20 किलोमीटर दूर है और बोलेगा बस 10 मिनट में आ गया, ये झूठ बोलने की जगह नहीं है भाई, यहां झूठ क्यों बोल रहे हो। झूठ बोलने की 2 जगह है, पहला अगर कोई बेगुनाह मर रहा है, बेगुनाह को फांसी हो रही है, तो आप वहां झूठ बोल दो तो वो झूठ नहीं माना जाता, और दूसरा अगर बिटिया के लिए लड़का देखने जा रहे हो और बिटिया की तारीफ में 2-4 शब्द झूठ बोल दो लड़के के दरवाजे पर, वो झूठ नहीं माना जाता। और इंसान के जीवन में पता नहीं कितने आश्रय बदलते हैं, तो वो सत्य हो ही नहीं सकता। आप एक बात बताइए, जैसे एक छोटा बच्चा हो और उस छोटे बच्चे के सामने
एक करोड़ रुपए और एक तरफ खिलौने रख दो तो वो क्या उठाएगा? खिलौने। और जब वो जवान हो जाए उसके पास एक करोड़ रुपए रख दो और एक तरफ खिलौने रख दो तो क्या उठाएगा? पैसे। और जब बुढ़ापा आ जाए और आदमी मरने वाला हो, बस दो चार दस मिनट बाकी हो, तो उसके पास एक तरफ एक करोड़ रुपए रख दो और एक तरफ परिवार खड़ा कर दो और ये बोल दो बस दो मिनट या दस मिनट बाकी हैं, परिवार से मिलना है या पैसे चाहिए, तो क्या चुनेगा? परिवार। क्योंकि उसे पता है कि बाकी के जो दो मिनट हैं या दस मिनट हैं वो मुझे परिवार के साथ ही जीने, दस करोड़ रुपए या एक करोड़ रुपए जान लौटाने वाले नहीं है। कुछ जिंदगी में ऐसी चीजें होती हैं जो हम उनका बदला नहीं दे सकते, बदली नहीं कर सकते। जैसे किसी की मृत्यु आने वाली है तो आप सामने वाले मित्र से ये नहीं कह सकते कि मैं ऑफिस जा रहा हूं तू हमारे बदले में मर जा, हो सकता है? नहीं। किसी की शादी होने जा रही है, तुम दूल्हा बन के जाओगे, उस जगह मित्र से कह दो कि तू दूल्हा बन के चला जा, मेरी शादी कर ला, वहां से पत्नी लिया और मैं ऑफिस जा रहा हूं, हो सकता है? कभी नहीं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें बदली नहीं चलती। ऐसे ही भजन है, लोग कहते हैं कि मैं भजन कर लूंगा आने वाली पीढ़ियों पे असर होगा, या हमारी संतान भजन करेगी उनके भजन से या उनकी भक्ति से मैं बच जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कर्म जो करेगा फल भी उसे ही मिलेगा। मान के चलो एक वृक्ष है, आम का पेड़, और आमों को आंखों ने देखा। अब आंखें देख सकती है लेकिन जा नहीं सकती, तो गए पैर। अब पैर जा सकते हैं लेकिन तोड़ नहीं सकते, तो तोड़ा हाथों ने। हाथ तोड़ सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते, तो खाया मुख ने। मुख खा सकता है लेकिन स्वाद नहीं ले सकता, स्वाद लिया जिभ्या ने। जिभ्या स्वाद ले सकती लेकिन रख नहीं सकती, रखा पेट ने। अब पेट ने जैसे ही रखा तब तक माली आ गया, माली ने डंडे मार दिए पीठ पे। अब पीठ की तो कोई गलती नहीं थी, वो तो फालतू में पिट गई। पीठ की तो कोई गलती नहीं थी क्योंकि आंखों ने देखा, गए पैर तोड़ा, हाथों ने खाया, मुख ने स्वाद लिया, जिभ्या ने रखा पेट ने। अब पीठ पे डंडे पड़े, आप एक बात बताइए, जब पीठ पे डंडे पड़े तो आंसू कहां से आए? और देखा किसने था? आंखों ने, बोली गोविंद भगवान की। तो ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा, और कर्मों में हाथ बटाने को बेटा ना साथ निभाएगा। ये आप पे निर्भर करता है कि आप कितना पुण्य करते हैं। ये जीवन है, लिखते हैं विद्वान कि संतान साथ नहीं देती। जन्म सब धोखे में बीत गयो, जन्म सब ए भैया, अरे तुई दस बरस खेलन में बीते भी सब जवान भयो। दस बरस खेलन में बीते भी सब जवान भयो। तीस बरस माया के फेरे दे सब दे तक पढ़े लिखे, अब बाहर नौकरी करवे को पहुंचे। एक तीस बरस चालीस के अंदर तेरो बिया भयो, आज तीस बरस चालीस के अंदर तेरो बिया भयो। पढ़ के नारी के फन्ना में तू
बच्चा सब खेल रहे खाए रहे, लड़कन की शादी है गई, अब नाती है गए घर में। 50 और 60 बरस पे सोचे खाट परो, 50 और 60 बरस पे सोचे खाट परो, तब नाती लड़का चलो जाए ना बैठो जाए, ज्यादा खांसी आए रही, कबो कबो पूरी पूरी रात नींद ना आवे। भैया यहां कहते हैं कि द्रौपदी के लिए इशारा दिया है कौरवों ने, जहां ये पांडवा द्रौपदी को हाथ से गमा बैठे, सभा में जाओ खींच करके ले आ। मैया रजस्वला में थी, मासिक धर्म में स्नान करके बैठी, पहुंचा है दुशासन, चलिए भाभी आपको सभा में बुलाया गया। क्यों? बोले कुछ काम है। जवाब दियो, ऐसो का काम है जो 100 कौरव 5 पांडव पितामह भीष्म करण दुर्योधन और सब बैठे हैं वहां, हम जैसी अबला की क्या जरूरत पड़ गई? जवाब दियो कि चलना या नहीं चलना? बोले नहीं जाऊंगी। केसों को पकड़ करके दुशासन खींचने लगा तो मैया द्रौपदी चिल्लाए के बोली, ओ रे ओ दुष्ट क्या कर रहे हो है? मैं नहीं जाऊंगी। बोले कैसे नहीं जाएगी, मैं लेके जाऊंगा। केसों को पकड़ करके खींच करके महाराज जब सभा में प्रवेश किया, दुर्योधन से कहा कि ये नहीं आ रही थी भैया, ऐसे में जबरदस्ती लेके आया हूं। आइए, आपका बड़ा इंतजार था सभा में, महाराज बड़े बड़े वीर बैठे हैं लेकिन किसी ने होठ नहीं खोले, पांचों पांडव गर्दन नीचे झुकाए बैठे। तो मैया द्रौपदी चिल्लाए के बोली है कि महाराज एक पिया की पत्नी पिया को प्राणों से ज्यादा प्यारी होती है, और मैं 5 पतियों की पत्नी हूं, यहां कोई नहीं बोल रहा है, लगता है मेरी सास ने सब किन्नर पैदा कर दिए। अब दास बने बैठे कौन बोले? भैया यहां दुर्योधन ने कहा है दुशासन एक काम कर, इसकी साड़ी उतार, नग्न अवस्था में मेरी जंघा पर बिठा दे। पैरों तले जमीन खिसक गई, झपट के महाराज मैया द्रौपदी पिता गांधार मैया गांधारी की तरफ भागी और जवाब दो का बात है मैया, तेरे बेटा ऐसी बात कर रहे हैं कबला पे, ये शोभा नहीं देता मां, इन्हें समझा। दोनों के दोनों नहीं बोले तो दुर्योधन बोला, दुशासन सुनाई नहीं दिया? साड़ी खींचवे के लिए जैसी दुशासन आगे बढ़ो,
द्रौपदी बोली, देखो दुर्योधन जी, आप भी अबलाओं की बातों पे आ रहे। अरे बात गई, वो कब की बात थी और आज आप लेके बैठे उस बात को, क्या बाबरे हो गए हो? बोले नहीं, मैं नहीं मान सकता, आगे बड़ा दुशासन। साड़ी को खींचने के लिए तैयार हुआ, अब मैया समझ गई कि बिना कन्हैया के कोई ना है। सो आवाज लगाए के बोली, हे गोविंद एक बात सुनो, शायद तुम्हें पता ना है, भैया मेरे गिरधारी वचन कब निभाओगे? I'm not afraid.